भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपका नाम क्या है? आपकी एज कितनी है? जी 20 साल। और आप कहाँ पे रहते हैं? मैं में रहता हूँ। और आपका जन्म से कौन सा धर्म है? जी जन्म में हिंदू थे हम। और उसके बाद जो भी आपके साथ हुआ जी अभी कुछ दिनों पहले तक जी उसके बारे में बताएंगे? जी ज़रूर। एक साल पहले मे बी इन 2010 उस समय मैं इंटरनेट पे ब्राउज कर रहा था। अभी बाकी रिलीजनों के बारे में मुझे जानना था, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ग्रैब कर रहा था। हर जगह मैं देख रहा था, मोस्टली हिंदुज़म का देख रहा था। लेटर ऑन थोड़े बहुत मुस्लिम्स के भी वेबसाइट सब आ जाते थे, तो जनरली वो लोग अब्यूज़ करते थे हिंदुज़म को। तो मैं पहले सोचा कि ये क्या गलती है इसके अंदर, जो पौराणिक हिंदुज़म है उसमें जी वो राम जी कृष्ण जी और बाकी सब देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे, बहुत गंदे अश्लील नाम भी लेते थे। तो मैं सोचा कि ये क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं लेटर ऑन देखने लगा, फिर स्लाइटली जाकिर नायक वैसे इस्लामिक जो प्रीचर्स है उनके इसमें मैं आने लगा। उनके यूट्यूब पे वीडियोस भी रहते थे और मेरे फ्रेंड्स जो कॉलेज में रहते थे वो लोग भी वीडियो सीरीज ला कर के मुझे दिए। उनका भी जाकिर नायक के साथ बहुत ये रहता था, कोई भी मैं बात करता था उनका आर्ग्यूमेंट इतना स्ट्रांग रहता था उस टाइम पे कि मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट दे नहीं सकता था। कुछ भी बोले तो मजाक उड़ा देते थे कि ये तो पत्थर पूछता है, ऐसा सब बोलते थे। तो मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, मैं सोचा कि ये क्या गलती है मेरे हिंदुज़म में, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि नहीं अल्लाह तुम लोगों को कर्स करेंगे, ये सब गलत है। तुम देखो तो मोहम्मद भी वेदास में बताया गया है, वो भी वेदास में ऐसा बोला गया कि पत्थर को नहीं पूजना है, मूर्ति पूजा फॉरबिडन है। तुम जाकिर नायक के वीडियोज़ देखो, उन्होंने सीरीज़ भी ला के दिया, उसमें जाकिर नायक का साइंस एंड कुरान था, फिर मोहम्मद इन वेदास था, वो सब देखने लगा। फिर भविष्य पुराण करके है उस सब में मैं देखने लगा। तो अल्टीमेटली मुझे लगा कि हिंदू बुक्स में ही पहले से इनका प्रोफेसी है, तो शायद मोहम्मद पहले से बताए तो मैं इस्लाम को ही फॉलो करना चाहिए। ऐसे करके मैं इस्लाम फोल्ड में आ गया। मैं बाद में आसपास के मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग मुझे लेकर के गए, नमाज कैसे करना है वो सब सिखाए मुझे। सलाह करके एक जगह एक मॉस्क है वहाँ पर मुझे लेके गए थे, वहाँ पर एक इमाम थे उनका नाम फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गए मिलके। वो मुझे कुरान के कॉपीज बहुत सारे दिए थे, एक फिर दारुल सलाम करके एक जगह है और एक सलाम सेंटर करके। एक कुरान का बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्री कॉपीज बहुत सारे हर लैंग्वेजेस में देते हैं, तो मुझे बहुत सारे कॉपीज उन्होंने दिया था। तो ऐसे में कुरान में पढ़ने लगा था उस टाइम पे। कुरान को आपने पढ़ा? जी पढ़ा। तो क्या पाया आपने? जी मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, कुरान में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ बहुत सारा हेट्रेड है। हालांकि वो कितना भी अच्छा इंसान कर्म करे, जैसे कि इंडियन आर्मी में कोई पर्सन पूरे देश के लिए भी अगर लाइफ सैक्रिफाइस कर दे रहा है, लेकिन तभी भी कुरान में लिखा गया ही इज़ वर्स्ट ऑफ क्रिएचर्स बिकॉज वो इस्लाम को नहीं मानता है। वो नसजून करके एक अरबिक वर्ड आता है, मतलब बहुत गंदा, ही इज़ वेरी फिल्थी करके बोला गया है कुरान। वो वर्स नंबर 28 चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28 में बताया गया है अंतिम में नसजून, उसमें बहुत मतलब बहुत गंदा है वो लोग जो इस्लाम को नहीं मानते। हालांकि वो हार्ट से बहुत प्योरिटी रखते हैं, बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन तभी भी उनके खिलाफ बहुत सारा हेट्रेड है। यही मैं कुरान में मैं पाया। मुझे तो बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरे माता पिता जो हैं वो भी हिंदू हैं, तो मैं तो सह नहीं सकता अगर ऐसा कोई किताब बोल दे कि मेरे माता पिता बहुत गंदे हैं, क्योंकि जस्ट रिलीजियस बिलीफ में वो डिफर करते हैं, तो इट डजंट लुक्स गुड फॉर मी। जब आपने इस्लाम को फॉलो करना शुरू किया जी, तो आपके पेरेंट्स को आपने बताया था? जी मैंने बताया नहीं था, एज अ सीक्रेट मैंने शुरू किया था ये। हालांकि ये बात है कि मेरे माता पिता को धीरे धीरे शक होने लगा, बाद में उनको पता भी चल गया, तो उन्होंने स्टार्टिंग में उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया, उन्होंने सोचा कि बच्चा नादान है बाद में बोल देंगे समझा देंगे। तो उसी एन वक्त में एक वेबसाइट करके आया अग्निवीर करके,
तब मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मैंने जस्ट ब्राउज कर जाकिर नायक, एक्चुअली मैंने अग्निवीर पहले नहीं सर्च किया था, मुझे पता भी नहीं था अग्निवीर क्या है करके, मैं जस्ट जाकिर नायक करके सर्च किया, तो जाकिर नायक का एक आर्टिकल है अग्निवीर पे, वाई मुस्लिम्स हेट जाकिर नायक सो मच। तो वहाँ से मुझे धीरे धीरे पता चला कि वो लोग जाकिर नायक वहाँ एक कादियानी करके एक सेक्ट होता है जिनको मुस्लिम्स पहले से काफिर बोलते हैं, उनके सोर्सेस कॉपी करके, उनको खुद वेदास के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है, वो जस्ट कॉपी करके सोर्सेस में मोहम्मद वेदास में हैं और भविष्य पुराण में हैं सब बताया। तो अग्निवीर का वेबसाइट पे लिंक्स दिया था, भविष्य पुराण में तो वो तो पहले ही लेटर, बहुत पुराना बुक नहीं नया बुक है, बहुत सारे चीज़ नए नए लिखे गए हैं उसमें, मोहम्मद को एज अ डीमोन बताया गया है, इनकार्नेशन ऑफ डीमोन। तो मैं वहाँ पे गया तो मैं देखा तो मैं शॉक हो गया कि ये जाकिर नायक कैसे झूठ बोल सकता है। और फिर जाकिर नायक हमेशा बोलते थे कि कुरान है साइंस इन इट, बहुत सारे साइंस के बारे में नॉलेज दिया गया है। तो अग्निवीर पे साइंस एंड जाकिर नायक करके एक और आर्टिकल था जहाँ पे उन, जब मैं वहाँ का आर्टिकल पढ़ा तो उसमें बिग बैंग जो बताते थे वो उसमें और रियलिटी जो साइंस है उसमें बहुत डिफरेंस था। जो वहाँ पे बोलते थे अर्थ राउंड बताया गया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ पे अर्थ एकदम फ्लैट बताया गया है। सो इन सब चीज़ों से मुझे लगने लगा कि ये डिसेप्शन कर रहे हैं। इस्लाम में एक टर्म होता है तकिया करके, झूठ बोल करके रिलीजन फैला सकते हैं उनको, मतलब कुरान के अंदर बताया गया, उनके इस्लामिक धर्म ग्रंथ में बताया गया कि वो इस्लाम को फैलाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। तो जब आपके मन में सवाल आए जी, तो जो मुस्लिम लोगों के टच में आप थे जी, आपने सवाल उनसे पूछे जी? स्टार्टिंग में डर रहा था, नहीं पूछा, लेकिन धीरे मैं पूछने लगा तो उल्टा वो मुझे बोलने के तू तो ये वेबसाइट पे जाता है, ये सब झूठ बोलते हैं, इनके बातों में मत पढ़ना, अग्निवीर हेट मोंगर है, ऐसा बोलने लगे। मैं क्वेश्चन पूछा तो मेरे क्वेश्चन का तो आंसर उन्होंने नहीं दिया। तो आपको डर क्या था? आपने भी बताया कि स्टार्टिंग में डर लगा मुझे सवाल पूछने में जी, तो क्या डर था आपको? डर ऐसा था कि वो क्वेश्चन उसमें थोड़ा हार्डलाइनर टाइप भी थे, थोड़े बहुत मुस्लिम्स थे, वो पहले से शक करते थे कि ये सबके खेल खेल रहा है मेरे साथ, ये रियलिटी ऐसा कुछ है नहीं ये, तो मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरे ऊपर और टेढ़ा सोचने लगेंगे। फिर बाद में आपका मन में ये विचार जो आया कि कुरान में साइंस नहीं है जी, इसके बाद क्या हुआ जी? इसके बाद साइंस नहीं है और इसके अलावा बहुत सारे अब्सर्डिटीज हैं। मैं बाद में कुरान को और पुरानी हिंदुइज्म को मैं जब कंपेयर किया तो अगर ये जनरली मिराकल के ऊपर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में दोनों पढ़ाऊँ ये उसी के ऊपर स्टैंड होते हैं, इनकेस अगर ऐसा है तो हिंदुइज्म में तो इससे ज़्यादा मिराकल्स हैं, इससे ज़्यादा अब्सर्डिटीज हैं। अगर मानना है तो मैं इस्लाम को क्यों मानूँ जो बाकी ह्यूमैनिटी के एकदम विरुद्ध है? ह्यूमन राइट्स का अलग एक रूल है, एक फतवा का एक पेज आता है दारुल सलाम का, कुछ पता नहीं मुझे, वहाँ पे एक ह्यूमैनिटी के लिए अलग से रूल्स हैं और मुस्लिम्स के लिए अलग से रूल्स हैं। और मुस्लिम्स को आई मीन जो मक्का में जा सकते हैं, कि नॉन मुस्लिम्स नहीं जा सकते हैं, ऐसा बहुत सारा अलग ये है, ह्यूमैनिटी का एज अ वन फैमिली कंसिडर नहीं करते हैं, बट वैदिक रिलीजन में सबको एज अ वन फैमिली कंसिडर करते हैं। जब आपने इस्लाम को फॉलो करना शुरू किया था जी, तो आपने जो मुस्लिम करते हैं नमाज जी 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 जी, ये आपको आती थी? आती है आपको? जी जी आती थी, अभी भी आता है। पहले तो सुराल फातिया से शुरू करते थे आप, और जब झुकना बैठना ये था, रुकास कितना होता है वो सब, और टोटली 5 times के प्रेयर रहते थे सुबह से, टाइमिंग सब नोटेड था। मुझे एक अरबिक ट्रांसलिट्रेशन करके होता है जो इंग्लिश में अरबिक वर्ड सब लिखा रहता, क्योंकि बोलना बहुत मुश्किल होता था, वो वहाँ पे 2-3 बच्चे रहते थे वो बोलते थे, उनको भी कुछ जब मीनिंग पूछते थे इसका मतलब क्या है तो उनको पता नहीं था, लेकिन जैसे तोता होता है उसको बहट मार लेता है वैसे, बट बहट मार के बोल रहे थे। तो मैंने कोशिश किया, मैं तो सुराल फातिहा में अच्छे से मैं सीख गया था, बाकी सब इमाम सामने ही रहते थे वही नमाज पढ़ देते थे हम लोगों के लिए, हम सिर झुकाते थे। उसके बाद अग्निवीर से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? जी पीस ऑफ माइंड पहले बोलता हूँ, जनरली मुस्लिम्स बोलते हैं इस्लाम मीन्स पीस, बट ये सरासर झूठ है, इस्लाम किसी एंगल से पीस नहीं है, फुल ऑफ हेट्रेड है, ह्यूमैनिटी से एकदम अलग है,
गोल्डन रूल नहीं फॉलो करता है। गोल्डन रूल एक होता है, डू अन टू अदर्स एज यू एक्सपेक्ट देम टू डू अन टू यू, मतलब ऐसा दूसरों के साथ व्यवहार करो कि तुम भी तुमसे भी वो ऐसा व्यवहार करेंगे। वैसा कुछ नहीं है, ये लोग सोचते हैं कि हम उनके ऊपर कुछ भी बोल दें वो सही है, अगर वो अगर वापस हमको कुछ बोले तो ये लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो वही गोल्डन रूल फॉलो नहीं करता है। जब अग्निवीर के साथ आया तो पीस ऑफ माइंड आया, गायत्री मंत्र में पढ़ा, उस एक्चुअल पीस ऑफ मेडिटेशन करने से पीस ऑफ माइंड आता है, लेकिन कुरान पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक हेट्रेड दूसरों नॉन मुस्लिम्स के लिए और एक डर है हेल का। नॉन मुस्लिम्स के लिए पहले से हेल भरा हुआ है, और इस्लाम में एक और फ्लॉ है, पहले क्या है उसमें बता दिया गया कि पहले ही सब कुछ आपका आगे जो होने वाला है सब कुछ एक बुक में लिख दिया गया है। मतलब आप जो भी कर रहे हैं जिस एक्शन है पोपेट के जैसा, अल्लाह के जैसा पोपेट के जैसा आपको हिला रहे हैं, वही करते जा रहे हैं, वही आपको नॉन मुस्लिम पहले से बना दिए हैं बहुत लोगों को। तो ये ब्लेम क्यों डाल रहे हैं कि हम ये हमको फॉलो नहीं कर रहे, जब अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है और कई जगह पे लिखा कि हार्ट सील कर दिया है, ये इनको कितना भी बताओ समझ में नहीं आएगा। तो ये सब तो ब्लेम तो अल्लाह पे जाता है। जी अग्निवीर का मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स मैंने पढ़ा है, और कमेंट सेक्शन में भी वज्र आर्या करके हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत सारा मदद किया। उन्होंने सत्य आर्थ प्रकाश जो है वो इंग्लिश में लाइट ऑफ ट्रूथ करके वो रिकमेंड किया। उसमें स्टार्टिंग चैप्टर से मैं धीरे धीरे पढ़ते आया तो अपना रिलीजन के बारे में मुझे पता चला एक्चुअल वैदिक फोल्ड क्या है। ये जनरली बोलते थे कि स्टोन वर्शिपिंग ये सब गलत है, लेकिन वैदिक फोल्ड में तो पहले से ऐसा कुछ है ही नहीं, निराकार ईश्वर को माना जाता है। तो मुझे एक्सेप्ट करने में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं रहा, मुझे ऑल साउंड हर लागन से लॉजिकल लगा। तो आप क्या समझते हैं वैदिक धर्म क्या है? जी वैदिक धर्म हर मतलब पूरे ह्यूमैनिटी को एज अ वन फैमिली मानता है, किसी को डिस्टिंग्विश नहीं करता है। जो वैदिक ईश्वर हैं वो फेवरेटिज्म नहीं दिखाते हैं, जैसे सूरज सबको एक जैसा रोशनी देता है वैसे सबको प्यार करते हैं माता पिता जैसा। हालांकि इस्लाम में ऐसा है कि अल्लाह और हमारा जैसे स्लेव और मास्टर का रिलेशन वैसा नहीं, माता पिता का रिश्ता है ईश्वर के साथ। जब आपके माता पिता को पता लगा जी कि आपका इस्लाम से संबंध टूट चुका है जी, तो उन्हें कैसा महसूस हुआ? उनको बहुत रिलीफ हुआ, वो बहुत खुश हुए। मैंने बताया कि अग्निवीर से ही ये सब हुआ है, बहुत खुश हुए। और वेदास मैंने परचेज भी करवाया था, उन्होंने देखा बहुत खुश हुए वो। अभी सत्यार्थ प्रकाश मेरे घर पे है। जी वैदिक धर्म में आने के बाद मुझे एक कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज का जो डीप ये होता है वो मुझे आया, मुझे पीस ऑफ माइंड मिला। वैदिक धर्म मुझे ह्यूमैनिटी जैसा लगता है, मतलब हर परिवार हर पूरा वर्ल्ड फैमिली जो है सबको एक मानता है। और जैसे सूरज रोशनी अपना सबको देता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देता है, वैसे ईश्वर सबको एक जैसे मानते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ईश्वर जिन जो जिसको नहीं मानते हैं उनको वो हेल फायर में फेंक देंगे और जो मानते सिर्फ उन्हीं को स्वर्ग देंगे, ऐसा कुछ नहीं। सबको इक्वली वो लव करते हैं, इक्वली सबको जज करते हैं। तो अभी ये बात आपको महसूस हुई जी, आपने आपके दोस्तों के साथ शेयर किया? जी जरूर, मैं कॉलेज में थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे मैं शेयर किया। तो ये बातें बताने के बाद आप अंदर से कैसे महसूस करते हैं? जी मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा धर्म है कि सब पूरे दुनिया को मैं ये वैदिक मैसेज में फैलाऊं। और उस वैदिक मैसेज को अगर आप रिपीट करना चाहेंगे जी, क्या कहें आप, क्या मैसेज दुनिया को देना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि वैदिक धर्म एकदम रैशनल है, कोई सुपरस्टिशियस बिलीव नहीं है। अगर इनकेस आप नहीं भी मानते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आप ईश्वर से आप प्यार नहीं करेंगे, ईश्वर आपको प्यार नहीं करेंगे, आपसे नफरत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम रैशनल रिलीजन है, जो एक धर्म है ये पूरे मानव के लिए है। तो आप वैदिक धर्म को अपनाइए और कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। वैदिक धर्म को मानने वाले हैं जी, किन किताबों को पढ़कर अपने धर्म के बारे में जान सकते हैं? जी सत्यार्थ प्रकाश जो है बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा किताब है, उसमें सब कुछ सुपरस्टिशियस बिलीफ सब कुछ जो पुरानिक हिंदुइज्म बोलते हैं उसमें बहुत सारे सुपरस्टिशियस हैं वो सब हटा करके स्वामी दयानंद जी ने जो लिखा है वो वैदिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं।